दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। भारत में भी कई शहरों में कोरोना वायरस के मामले पाए गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं बिहार के मोतिहारी में भी कोरोना वायरस के संदिग्ध मिले। इसको लेकर मोतिहारी सिविल सर्जन डॉक्टर रिजवान अहमद ने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले में कोई भी केस पॉजिटिव नहीं पाया गया है। कोरोना से संक्रमित कोई मरीज मिले हैं या नहीं? अभी तक इस जिला में कोई भी केस पॉजिटिव नहीं पाया गया है, जबकि हमारे यहाँ 7 केसेस सस्पेक्टेड का हम लोगों ने रेफर किया है, उसकी जांच लैब में गई है, कोई अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। और बिहार में कोई भी केस अभी तक पॉजिटिव नहीं पाया गया है। सर, कोरोना को लेकर के विशेष रूप से क्या तैयारी की गई है मोतिहारी सदस्य? बिल्कुल, हमने सबसे तो पहले मैंने प्रचार प्रसार काम कराया है सबको, यानी इसके बारे में आम पब्लिक में हमारे कर्मचारियों के माध्यम से, यानी प्रचार प्रसार कराना बहुत जरूरी है। इसकी जानकारी इसकी बचाव है, और इसके अगर कोई इस तरह के पेशेंट होने के स्थिति में हम लोगों ने अस्पताल मेरा जो है वहाँ पर हमने 14 बेड का ICU तैयार कर रखा है। हमारे डॉक्टर और नर्सेज 24/7 में उसे ड्यूटी लगा दी गई है। कंट्रोल रूम हमने बना दिया है, और बॉर्डर हमारा जहाँ है, जहाँ पर मैत्री पुल है, वहाँ पर मेरे मेडिकल टीम एम्बुलेंस है, और जहाँ पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वहाँ पर भी मेरी मेडिकल टीम है, वहाँ मेरे एम्बुलेंस है, और लगातार हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और लगभग अभी हमने मोर देन 40 लाख लोगों का मैंने स्क्रीनिंग किया है। उसके अलावा जो ओपन बॉर्डर है लगभग 50 किलोमीटर, तो वैसे जगहों के लिए मैंने 12 ट्रांजिट हमने वहाँ पर लगाया है, और वो लगातार वहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है। और हमारा मेडिकल टीम, नर्सेज, डॉक्टर सब लोग ट्रेंड है, और सब पूरी तरह तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। सर, आज 4 मरीज कोरोना के सस्पेक्टेड आए हैं, क्या लगता है सर? उसमें जब तक जांच नहीं होता है, जब तक पॉजिटिव नहीं पाया जाता, जब तक आप उसको कोरोना नहीं कर सकते। सस्पेक्ट केस है जिसको हम जो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर उसको अगर जरूरत पड़ता है तो फिर उसका जांच कराते हैं। सर, कुल मिलाकर के पूर्वी चंपारण जिले में कितने सस्पेक्टेड केस अभी तक? 7 केसेस अभी तक पड़ते हैं हम लोग सस्पेक्ट। उनकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है? अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। कब तक आएगी सर रिपोर्ट? आ जाएगा, 3 दिन लगता है, रिपोर्ट आ जाएगा, फिर रिपोर्ट आने के बाद आपको बता सकेंगे। यहाँ 7 संदिग्ध मरीज पाए गए हैं, जिनको बेतिया और मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है, तो वहीं 2 मरीजों का इलाज मोतिहारी सदर अस्पताल में चल रहा है। इन मरीजों की जांच लैब में की गई, जिसकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। वहीं मरीजों के परिजनों ने बताया कि मोतिहारी सदर अस्पताल में कोरोना वायरस को लेकर की गई व्यवस्था से वो संतुष्ट हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से अरुण कुमार की रिपोर्ट।